एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 बाय डिवीजन मेथड कैसे पता करें अभी हम सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसान है दोस्तों। इनको इस प्रकार से एक साथ लिख दो और अपने प्राइम नंबर को याद करो। 1 से 10 तक के दोस्तों मैं यहां पर आपके प्राइम नंबर लिख रहा हूं, मोस्टली आपको यहां तक ही ज़रूरत पड़ती है, 2, 3, 5, 7 इत्यादि, आगे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 का देखो डिवाइड हो रहा है 6 में, कितना 3 टाइम, 5 में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको जैसा है वैसे आगे लिख दो। अब 2 का डिवाइड इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, देखो 3 में 3 का डिवाइड होगा 1 टाइम, और 5 में नहीं हो रहा है, आगे शिफ्ट कर दिया, 5 में 5 का डिवाइड होगा कितना 1 टाइम, और ये आपका 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या है दोस्तों, ये जो आपके फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 × 5 आपका कितना आ गया 30। तो इस तरह से यहाँ पे एलसीएम कितना बन गया आपका 30। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आपका प्राइम नंबर जैसे 5 है तो वो 5 से ही डिवाइड होगा, 3 से ही डिवाइड होगा। तो जब भी आपको कहीं पे प्राइम नंबर दिखे तो आपको किसी अन्य नंबर से डिवाइड करके चेक नहीं करना है, क्योंकि वो खुद से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, अन्य वीडियो देखिए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, और यूट्यूब पर सुरेंद्र क्लियर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें।